ये है ना? हाँ। देखिए ये पूरे शिवलिंग सब एक ही साथ है। नहीं, हम रायपुर से हैं। आप रायपुर से हैं? अरे बहुत बढ़िया। रायपुर में शंकर भगवान की जय। ट्रल साफ करते हैं छत्तीसगढ़ी को उठा देता हूं। नहीं ठीक है ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में ट्रल साफ करत रहेगा। तो दो जन लड़का है भाई, और क्या कर रखे है? सब मिला के 20 रुपए में इतना सस्ता प्रसाद बांट रहे हो आप हैं? तो छत्तीसगढ़ में चमत्कार पे चमत्कार होते जा रहे हैं। आपने कई वीडियोस अभी देख लिए होंगे कि महादेव प्रकट हो रहे हैं, शिवलिंग खेत में निकल रहा है, पेड़ पे आ रहे हैं, ऐसी कई सारी आपने जो वीडियोस देखे होंगे। मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में और गांव का नाम है मुंगा शेर। यहाँ पे भी कहते हैं भगवान प्रकट हुए हैं, शिवलिंग प्रकट हुए हैं पेड़ के पास, यानी कि एक पीपल का झाड़ है वहाँ के नीचे भी प्रकट हुए हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का वो शिवलिंग है, किस तरह भीड़ आ रही है, लोग कैसे आ रहे हैं, आसपास बहुत सारे लोग हैं। एक बार मैं वहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहीं से हैं? जी यहीं से। क्या गांव का क्या नाम है? मुंगा से। अच्छा, तो बाहर से भी आए हम। अच्छा, आप लोग बाहर से आए, कहाँ से आए? मोहंदा से। मोहंदा कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। सबसे पहले आप लोग तो गांव के हैं, पता होगा, सबसे पहले कैसे पता चला, मतलब किसको लगा कि ये शिवलिंग है और पहले अचानक से निकला, कैसे पता चला? वो एक बच्चे ने देखा, वो सफाई नहीं कर रहे थे। हाँ हाँ। उस दिन देखा, उस दिन सभी को जाग बताया, फिर अच्छा सभी लोग हिला टाइप हुआ। अच्छा, उसके बाद जाके देखे वहाँ पर साफ किया तो दिखा कि शिवलिंग जैसा कुछ आकृति दिखा। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इनको लगा कि ये नॉर्मल नहीं है, अलग है, शिवलिंग जैसा इनको एक आकृति दिखी। उसके बाद लोगों ने यहाँ पे साफ सफाई की तो उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये शिवलिंग जैसा ही है। ये एक्चुअली वो पूरा पेड़ है जहाँ पे वो शिवलिंग की बात बताई जा रही है। अब मैं भी पहली बार ही आया हूँ तो एक बार हम देखते हैं तो किस तरीके से वो शिवलिंग है। ये है ना? हाँ। देखिए ये पूरे शिवलिंग के ही आकार का है और जो सबसे खास बात है वो है ये पेड़ के जो तना है, यानी पेड़ की एक जो छाल बोलते हैं उसको, वो उसके जस्ट बीचों बीच में है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि पेड़ के एकदम बीचों में इस तरीके का पत्थर, ये ऐसा मुश्किल है। ये जटा है उसी का, पीपल। ये देखिए इस तरीके की ये जटा है, ये अक्सर आपको पीपल के पेड़ में नहीं दिखेगा, कहते हैं ये बरगद की झाड़ में ज़्यादा दिखता है। तो ये ऐसी जटा शायद आपने पीपल के पेड़ में तो अभी तक फिलहाल नहीं देखी होगी। अंदर निकला भी भगवान आया, शिवलिंग आया तो वो बाहर आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये पहले नहीं था? नहीं, चिपका था, छोटा था, छोटा था, चिपका था। अच्छा, उसके बाद वो धीरे धीरे बाहर आया भगवान की कृपा से। ऐसा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे गांव में सहाड़ा देवता था पहले। अच्छा, सहाड़ नंदी बाबा। ठीक, तो वो बूढ़ा गया ना, आज 35-40 साल का आगे का बात है, 35-40 का आगे का बात है, यही मिट्टी दीवार हुआ है। अच्छा, सहाड़ा देवता 30-35 साल का इतिहास है यहाँ पर, वो गढ़ है। अच्छा, 30-35 साल जैसे आदमी को नहीं लगते मानने के बाद तो ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम सब। अच्छा, आदमी को अंतिम संस्कार करते हैं ना, उसी प्रकार उसका भी किया है साल का अंतिम संस्कार। और एक दो साल के बाद इस पीपल झाड़ को लगाया उसी मठ में, नीचे मठ में। तो आज उसी के रूप में महाराज महादेव प्रकट हो गए हैं। सर, चलिए मैं एक बार पास से फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरे शिवलिंग की आकृति है और यहाँ पे अभी देखिए पूजा पाठ शुरू हो गया है, नारियल का ये ढेर करना शुरू हो गया है। और ये देखिए यहाँ पे पूरे नारियल सारे जो भीड़ लगी हुई है ये सब आप लोग कर लीजिए। पहली बार ये लोग सब दर्शन करने आए हैं, कुछ गांव के हैं, कुछ गांव से बाहर से हैं। आप लोग सब बाहर के हैं? कहाँ से आए? 10-12 किलोमीटर दूर है। आप लोग सब एक ही साथ हैं? नहीं, हम रायपुर से आए हैं। आप रायपुर से हैं? अरे बहुत बढ़िया। रायपुर में शंकर भगवान की जय। प्रसाद तो मैंने दिखाया आपको जिस तरीके से यहाँ पे शिवलिंग एक पीपल के झाड़ में प्रकट हुए हैं, ये थोड़ी सी अनोखी बात है क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, खेत में एक पत्थर जैसी आकृति निकल रही थी और उसे शिवलिंग का नाम दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है वो चीज़ थोड़ी सी अलग है।
एक पेड़ के बीच में पीपल का जो विशाल वृक्ष है उसके बीच के जो तना है उसके बीच में से एक पत्थर जैसी चीज प्रकट हुई है और वो बड़ी भी है, तो उसे ही यहाँ के जो गांव वाले हैं वो महादेव के शिवलिंग के रूप में पूज रहे हैं। दूर दूर से लोग अब इसके भी दर्शन करने आ रहे हैं। एक पुजारी जी हैं यहाँ पे जो इस मंदिर के आसपास पूरी देख रेख कर रहे हैं, पूजा पाठ का काम देख रहे हैं, उनसे मैं बात करवाता हूँ आपकी। जी प्रणाम। क्या नाम है? अवधराम सर। अवधराम, आप ये पूरा देख रेख आप ही कर रहे हैं? हाँ। बताइए इसके बारे में कुछ, कैसे आप लोगों को कब से ये आभास हुआ कि ये शिवलिंग यहाँ पे है और कैसे बाकी लोगों को फिर बताना आप लोगों ने शुरू किया, कुछ बताइए इसके बारे में। मैं बोर बंद करने के लिए जा रहा था। कब की बात है ये? मंगलवार का, पिछले मंगलवार। हाँ। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ दो लड़के था। हाँ। छोटा छोटा, उसको बोला चलो चलो जी कहकर बोले चलो इसको साफ करेंगे यार, तो बोले वो लोग हम नहीं करेंगे कहीं कह और भागा। तो मैंने कहा नहीं यार बिस्कुट दूंगा चलो यार। हाँ। तो फिर ये आकृति आपको कब दिखी पहली बार, जो आपको लगा ये शिवलिंग है? साफ साफ कर एक राल साफ करते हैं छत्तीसगढ़ी को था। नहीं ठीक है, छत्तीसगढ़ी में एक राल साफ करते रहने का दो जन लड़का है, एक रख खेलत रही थे ओकर खेलत रही थे बला का ना चले यार साफ करबो तहन तो मतलब बिस्कुट धोई के तहन मन भीड़ गए साफ करे बा ओकर बाद हम अहू मैं साफ करे लागे तो मैं थोड़ा घर चल दे झाड़ू वाड़ू आनू कह के यदि नज़दीक में घर रहता। अच्छा, इसी गांव में? हाँ हाँ। तो ओकर बाद कहते मन हालिस कहते हो हल ला मैं नहीं जाने वाला कल हालिस और नहीं हालिस तेला फिर वो लड़का मन कहते हालिस एक रह कहते हाँ आए ओकर बाद या एक झन नाना कहते गोड़ पारा के वहाँ तो नाना देख तो ये देख पत्थर निकला थे पत्थर निकल रहा। अच्छा, पीपर के पेड़ लिखा थे हाँ निकला तो है जी क्यों तीज भर के हूँ मल्ला कहाँ जाओ है नरियर नरियर और अगरबत्ती आन लू और हार एक ठन के हूँ कहाँ उच मल्ला दे 100 रुपया धर रहे हो तेला कहाँ वही मन आनीस ओकर बाद ना कहाँ एक मस्त अगरबत्ती जलान धो धो के सब ला साफ करे ना ओकर बाद अगरबत्ती जलान ता अपने ताता लगे इसने मेर रोड़े। उसके बाद से ही लोगों को हाँ। लगने लगा कि ये शिवलिंग हाँ। है ऐसा करके। अच्छा, देखिए शनि देव का मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर तो पहले से ही है और ये ऐसा पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया है, इस तरीके से ऐसे आपके। देखिए वो है वो पेड़ जो सामने है और ऐसे साइड से यहाँ पे ऐसे लाइन वगैरह लगा दिया गया है, जब भीड़ बढ़ती है तो वैसे वो पूरी लाइन ऐसे हो जाती है और यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे रेलिंग जैसा बनाया है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए पूरे नारियल जो अभी चढ़े हैं और साइड में कर दिए गए, इन्हें काटा जाएगा फिर प्रसाद बनाया जाएगा। ऐसे गाँव हमेशा धार्मिक कार्यक्रम बढ़ चढ़ के भाग लेता है, ये गाँव धार्मिक कार्यों में धार्मिक काम में, इसीलिए भगवान आप लोगों को दर्शन दिए हैं। इतिहास में आपके साथ क्या ऐसी घटना हुई, क्या आपको कैसा लगा वो बताइए। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मैं घर धान ले आते रहूँगा तो एक झन आदमी ही करा बैठे रही से मोर पारिवारिक भाई है तब महू बैठे हैं करा तब वो हम बोलिस कि एक भोलेनाथ निकले है कहन मैं भी गया ओकर सामने में तो पंडित जी है बोलिस तो मैं समझ कि वो पथरा ला डाल दे हो मोला इसने बोला था यार के तो हलाना ऐसे किस गा और मैं कस के हलाय ना तो हल भी नहीं करी सोहा। अच्छा, तो मोला विश्वास हो गए कि ये कुछ चमत्कारी है कहके। आपको क्या तकलीफ थी जो ठीक हो गई? उठी उठाई तो जैसे जय भोलेनाथ कह के ओकर बाद लगा दे लगाते तो मोर पीड़ा गाया पे हो गए भाई दिखा सकते हो ये दे सुजर रथे और बहुत छोड़ दी से हाँ मोर पैर बहुत ठीक हो गए हैं और चल भी सकता हूँ फिर भी सकता हूँ पहले समस्या थी अभी ठीक है। हाँ 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 पूरा ठीक है। बहुत अच्छी बात। जय भोलेनाथ। दोस्तों तो ये था मुनगा शेर का महाकालेश्वर शिवलिंग जो एक पीपल के पेड़ में महादेव प्रकट हुए हैं, शिवलिंग प्रकट हुए हैं। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में तो अभी एक से एक चमत्कार हो रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं, कहीं पे भी शिवलिंग निकल रहा है, कहीं पे भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो ये मान्यताएँ हैं, चमत्कार है, अफवाह है, सत्य है, क्या है ये आप तय करें। आस्था से बढ़ के कुछ नहीं होता है, लोगों की आस्था है वो मान रहे हैं इसलिए वो दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें नहीं मानना है, जिन्हें अफवाह मानना है वो अपनी जगह सही है और जो मान रहे हैं वो अपनी जगह सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।